अपने शास्त्री नगर के सभी निवासियों की तरफ से सर्वप्रथम हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद प्रकट करता हूँ माता बादल कुंवर संकीर्तन मंडल का, जिन्होंने शास्त्री नगर में अपने चरण कमल और आज के इस साल को जिस तरीके से रुखसत किया है, ये हमेशा हमें याद रहेगा। गुरु मोती मेहता जी और बादल कुंवर संकीर्तन मंडल की समस्त टीम को, द बीइंग फ्यूचर फाउंडेशन और शास्त्री नगर के सभी निवासी बहुत आभारी हैं, और हम सब की तरफ से, द बीइंग फ्यूचर फाउंडेशन की तरफ से और शास्त्री नगर निवासियों की तरफ से माता बादल कुंवर संकीर्तन मंडल और सभी शास्त्री नगर निवासियों को जाने वाले साल की भी बहुत बहुत मुबारकें और आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप सभी का नव वर्ष बहुत बहुत शुभकार और मंगलमय रहे, और हम पर गुरु जी की कृपा, आदरणीय सम्माननीय गुरु मोती मेहता जी की कृपा और इनका रंग और इस तरीके का संगीत की वर्षा हमेशा हम पर होती रहे, इसके लिए हम बार बार आभारी हैं कि आपके सानिध्य में अगर हमें इस तरीके का माहौल मिले तो हमारी हर तरीके की यात्रा सफल होगी। और दो शब्दों से ही हम चाहेंगे आज के इस जाने वाले साल को हम विदा दें कि शास्त्री नगर और DBFF के माध्यम से हम ये बात कह रहे हैं कि पल पल दिल के पास तुम रहते हो और चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। और आप सभी माता बादल कुंवर संकीर्तन मंडल और समस्त शास्त्री नगर निवासियों को आज हमारी संस्था जिस तरीके से हम सभी सबसे बड़ी ईश्वर भक्ति है, उस ईश्वर भक्ति के ही समान एक देश की भक्ति है, उस देशभक्ति को ही समर्पित द बीइंग फ्यूचर फाउंडेशन आने वाली 16 जनवरी को तालकटोरा स्टेडियम में एक राष्ट्रीय पर्व मना रही है, जो कि देश की रक्षा सेना और बारबिडोस को समर्पित है। उस सभी कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं और हमारी पूरी संगठन की टीम से उन देश के अमर जवान शहीदों ने जो देश के लिए शहादत दी, उन सभी अमर जवान शहीदों की वीर नारियों को बुलाकर जो वहां सम्मानित किया जा रहा है, तो मैं माता बादल कुंवर संकीर्तन मंडल को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप और आपका पूरा संकीर्तन मंडल आए और उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, ताकि उन वीर नारियों को, क्योंकि एक तरफ प्रभु की सेवा है, एक तरफ देश की सेवा है, मैं चाहता हूं इन दोनों सेवाओं को हम पूरे देश के सामने रखें। और इसी के साथ हम आपसे खुशी खुशी विदा लेते हैं। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसके तुरंत बाद हमारे जो युवा कार्यकर्ता और हमारे शास्त्री नगर मंडल के संगठन के जो साई उपवन मंदिर के तत्वाधान में एक और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है।